아래 시크릿 카메라는 आज हमने मेरे भाई शहीद प्रेम सिंह जो आर्मी में मेडिकल कोर में थे और जम्मू कश्मीर में तैनात थे वो 8 नवंबर को शहीद हो गए थे और उनकी बॉडी मैं खुद लेके आया था। उसके बाद में जब मुख्यमंत्री आए थे उस दिन भी आप मीडिया भाइयों के सामने उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी, उस घोषणा में से अभी तक एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई है। इसलिए मुझे आज छुट्टी लेकर के मेरी ड्यूटी से यहाँ आना पड़ा है और इस संबंध में मैं 18 मई को भी एक एप्लीकेशन पहले भी दे चुका था। उस दिन भी वीरांगना और शहीद के पिताजी और मैं खुद आकर के कलेक्टर ऑफिस में देखे गए थे, उसके बाद में भी कोई काम नहीं हुआ। इसलिए आज छुट्टी लेकर के बेशकीमती टाइम निकाल करके ऐसी भरी बारिश में भी यहाँ आकर के ज्ञापन देना पड़ा। तो उम्मीद है कि यह काम आज सुना है कलेक्टर साहब ने और इस पर SDM को और नीचे लेवल के अधिकारियों को बता दिया गया है। अगर यह काम नहीं हुआ तो आप भाइयों के सामने फिर दोबारा ज्ञापन देंगे। हम बाड़मेर ज़िले के किसान वर्ग के बहुत से युवा और प्रतिनिधि मंडल यहाँ कलेक्टर साहब से मिला है और लंबा समय हो गया शहीद प्रेम सिंह की शहादत हुए, लेकिन अभी तक जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा शहीद परिवार को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो अभी तक कुछ भी नहीं मिली है। इससे एरिया के लोगों में काफ़ी रोष है कि बहुत से शहीदों को जो इनके टाइम में भी लगभग शहादत हुई थी उनके वहाँ पे काम हो गया है, जैसे कि मूर्ति स्थापित करना, स्कूल का नाम उनके शहीद के नाम से करना, PSC का नाम शहीद के नाम से करना और जो पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी मिलना, भूमि का आवंटन होना, शहीद की वीरांगना है उनको उनकी योग्यता अनुसार नौकरी दिलाने का आश्वासन भी सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा दिया गया था, लेकिन अभी तक न ही सड़क बनी है, न ही पानी की व्यवस्था हुई है और न ही अन्य कोई भी जो शहीद के परिवार को फैसिलिटी सुविधा मिलनी चाहिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा, कुछ भी नहीं हुआ। इससे क्षेत्र के और बाड़मेर ज़िले के लोगों के अंदर भारी रोष है कि शहीद परिवार को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हम सब लोग आज प्रतिनिधि मंडल इकट्ठा होकर के मिला है, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि ये सब जो डिले हुई है ये नहीं होनी चाहिए और मैं जल्दी से जल्दी करवाऊंगा। और हाथ SDM साहब वगैरह को फ़ोन किया है और वो प्रस्ताव चाहे रेवेन्यू विलेज का हो, चाहे स्कूल का हो या PSC का हो और बिजली की हो, सभी पानी की पाइपलाइन का हो, सबका आश्वासन हम मिला है। आशा करते हैं समय पर काम हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो हम दोबारा कलेक्टर साहब से मिलेंगे और हम चाहते हैं कि ज़िले के जो भी भावना है उनका आदर किया जाए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार शहीद परिवारों के प्रति सम्मान रखे। हम सभी चाहते हैं कि टाइम पे ये सब काम हो।